बिलावरुख जिला कफिंतर चौक, जहां पर आज लगभग 2 महीने से ज्यादा बंद रहने के बाद वाइन शॉप आम लोगों के लिए खोल दी गई और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व जिला प्रधान प्रवीण सिंह पिंका ने कृषि विभाग से मांग करते हुए कहा कि किसानों को जल्द से जल्द पनीरी लगाने के लिए धान का बीज दिया जाना चाहिए, ताकि किसान समय पर धान की पनीरी लगा सके। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला प्रधान ने कहा कि किसानों को बीज न मिलने के कारण किसान पनीरी नहीं लगा पा रहे। किसान नेता ने कहा कि हर साल किसानों को सुविधा नहीं मिल पाती, जिस कारण किसान समय पर अपनी फसल नहीं लगा पाते। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। सिंह पिंका, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करता हूँ कि आज जो समय जा रहा है धान की पनीरी बीजने का, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से किसानों को अभी तक बीज मुहैया नहीं कराया गया। मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि किसानों को जल्दी से जल्दी धान का बीज जो उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसान अपने समय के ऊपर पनीरी का बीज बीज सके। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आरसपुरा जो बासमती का हब है, B370 का बीज अभी तक डिपार्टमेंट में आया ही नहीं है। इसके लिए मैं दोबारा एक बार आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट है जो किसानों को B370 बासमती का बीज है जो मुहैया कराए। रामकोट तहसील के छल्ला में कॉन्वेंट स्कूल से शनिवार को कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है, जिससे रामकोट तहसील के लोगों में हड़कंप मच गया। नोडल ऑफिसर कॉन्वेंट स्कूल छल्ला भोलानाथ खजूरिया ने बताया 18 मई को वो जम्मू में इनकी टेस्टिंग हो चुकी थी। 18 मई को 9 आदमी दिल्ली से लौटकर अपने गांव वापस आए थे और उनसे सभी के टेस्ट किए गए थे, किंतु शनिवार को टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मामला पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने बताया कि वो मशेडी के नजदीक गांव के रहने वाले हैं। मामला पॉजिटिव आने के बाद मरीज डॉक्टर द्वारा नगरी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस द्वारा इलाज करवाने के लिए लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। कांग्रेसी यूनिट हीरानगर द्वारा नए डोमिसाइल कानून के विरोध में एक हवन करवाया गया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस महासचिव रमेश कुंडल द्वारा किया गया। उनके साथ ओबीसी सेल के सेक्रेटरी सोमराज वर्मा, रामजी दास शर्मा, बलवंत राज, तरसेम लाल पंडित, राजकुमार शर्मा और रोहित शर्मा भी मौजूद थे। हवन इस बात के मद्देनजर करवाया गया कि नए डोमिसाइल कानून से सिर्फ कश्मीरी ही नुकसान में नहीं रहे, बल्कि जम्मू के डोगरा, जो कि ज्यादातर हिंदू हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। हीरानगर से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। तो आज हमने हवन करके ये जताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार जो दम भरती है हिंदू हितैषी होने का, जो दम भरती है हिंदुओं का की सरकार का, उनको ये चताने की कोशिश की है कि सिर्फ कश्मीरी नहीं, जम्मू का जो डोगरा है वो भी इस एक्ट के खिलाफ है। साथ में ये जताने की कोशिश की है कि नुकसान सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, जम्मू के डोगरा जो कि मेजॉरिटी में हिंदू हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। इसलिए हमने ये प्रभु से आज डिमांड की है कि केंद्र सरकार का और हमारे माननीय मुर्मू साहब का कोई सद्बुद्धि इनको भगवान दे, जिसके कारण ये हमारे हक में कोई अच्छा फैसला ले आए। जैसा कि अभी डोमिसाइल एक्ट इन्होंने लाया है कि जो 7 साल यहाँ पे एम्प्लाई नौकरी कर गया होगा, उसके जो बच्चे हैं वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल होंगे। ये बात असहनीय है, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। रामकोट तहसील के दमनी गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग से एक पक्का मकान और हार्डवेयर की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इसी हादसे में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत ये रही कि समय पर पता चल जाने के कारण सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी प्रकार के कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। रामकोट पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर हादसे के कारण की जांच शुरू कर दी है।
रामकोट से मिंटू खजूरिया की रिपोर्ट। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सीर में शुक्रवार शाम चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर में रखे हुए सोने के आभूषण और नकदी चुरा ली। बताया जा रहा है कि जब चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया तब घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मेनार्टी मोर्चा की आरएसपुरा जिला इकाई द्वारा आज मोर्चा का विस्तार करते हुए गठित की गई कमेटी के नए सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। पार्टी के राज्य अध्यक्ष रविंद्र राणा, महासचिव अशोक कौल और मोर्चा के राज्य अध्यक्ष शेख बशीर के निर्देशों पर मोर्चा के जिला प्रधान सरदार संतोख सिंह के नामों की घोषणा की, जिसमें बचन सिंह, बलविंदर सिंह, जसपाल सिंह और हरजीत कौर को जिला उप प्रधान, हरभजन सिंह तथा सुलखन सिंह को जिला महासचिव, वासुदेव सिंह, जोगिंदर सिंह, हरमीत सिंह और दलजीत सिंह को जिला सचिव, सुखविंदर सिंह को जिला मीडिया सेक्रेटरी, बलजीत सिंह को ऑफिस सेक्रेटरी, हरबंस कौर को जिला प्रचार सचिव तथा धारा सिंह और नरेंद्र सिंह को जिला प्रवक्ता, रमणीक सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट।